आज हमारा एहतजाज जो मैंडेट चोरी के खिलाफ इमरान खान की कॉल पर सारे पाकिस्तान में एहतजाज हुआ, आज मैं समझता हूँ उसको ज़बरदस्त पजीराई मिली है। और ये बौखलाहट की ये आलम है कि ये महारानी यहाँ की वज़ीर आला और माशाल्लाह जो जाली वज़ीर आज़म बने हैं और कब्जा किया है सारी रियासत पर, आज उन्होंने फिस्ताइयत की इंतहा कर दी है। और न सिर्फ मुझे बल्कि सलमान अकरम राजा को भी हमें गिरफ्तार किया गया, हालांकि एज ए मेंबर नेशनल असेंबली कौमी असेंबली के मेंबर की हैसियत से बगैर स्पीकर की इजाज़त के बगैर उसे इत्तला किए हुए गिरफ्तारी MNA की नहीं हो सकती है। और मुझ पर FIR और सलमान अकरम राजा पर अलहदा FIR काटी, वो सेक्शन 290 और 291 ताज़ी रात पाकिस्तान के हमने ट्रैफिक ब्लॉक करके और एक न्यूसेंस क्रिएट की और अमन आमा में मुखल हुए हम, और उसकी जो है बार कैफ 6 घंटे मुझे थाने में रखने के बाद साउथ कैंट में मुझे गिरफ्तार किया अशफाक DSP ने, और मुझे 6 घंटे थाने में रखा गया। और उसके बाद उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या किया जाए, क्योंकि न सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट बार ने बहुत शदीद मजम्मत करते हुए एक बड़ा सख्त करारदाद मंजूर की, और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी बहुत ही ज़ोरदार किस्म की, उन्होंने कहा कि ये फिस्ताइयत की इंतहा है कि एक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहे हों उनके खिलाफ इस किस्म की हरकत नाकाबिले बर्दाश्त है। और इसी तरह पाकिस्तान की दीगर बारों ने भी ये चीज़ का तकाजा किया कि फिलफौर मुखलसी की जाए, रिहा किया जाए। उसके बावजूद 6 घंटे रखने के बाद भी मुझे जो है मचलके पर यानी एक किस्म का जमानत पर रिहा किया गया, क्योंकि 290 और 291 ताज़ी रात पाकिस्तान दोनों काबिले जमानत जुर्म होने के नाता से वैसे ही मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी 6 घंटे नाजायज़ हिरासत में रखा। मुझे अगवा किया गया गाड़ी से उतार के, और हालांकि हम पुरमन तरीके से अभी गाड़ी तो अभी तो शुरुआत ही हुई थी, गाड़ी में हम बैठकर अभी मुड़े भी नहीं थे कि हमें जो है कैंट कचहरी के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभी तो ना कोई जलसा था, ना कोई जुलूस थी, ना कोई ट्रैफिक ब्लॉकेट था, ना कोई शुरुआत थी, लेकिन इनकी बौखलाहट का ये आलम है कि इन्होंने समझा जूं जूं ये काफिला रवा दवा होगा तो शायद सारा लाखों का मजमा हो जाएगा, और उस खौफ से इन्होंने हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पर कर दिया। हालांकि ये बुनियादी आइनी हक है और उसमें राइट ऑफ एसोसिएशन, राइट ऑफ मूवमेंट और राइट ऑफ स्पीच और राइट ऑफ असेंबली, ये तमाम चीज़ें बुनियादी हकूक़ में मुतायन हैं जिसमें किसी कानून साजी भी नहीं कर की जा सकती है चे जाए कि इसमें ये चीफ मिनिस्टर साहिबा जो बनी है और जो IG इनके ग़ुलाम है निजी पुलिस, जिस अंदाज से जिस भोंडे तरीके से इन्होंने किया, फिर मेरी गाड़ी को भी और मेरे ड्राइवर को और मेरे साथ जो अदनान था उनको उनके ऊपर 7 AT-1 के दफ़े डाल दिए और कहा कि इन्होंने जो है बारूद रखा हुआ था और कहा कि इन्होंने जो है पुलिस की वर्दियां फाड़ दी, हालांकि कोई ऐसी चीज़ हुई ही नहीं है। और मेरी गाड़ी भी थाने में अभी तक जो है बंद है बतौर वजह वो सबूत के, उसको भी रखा हुआ है। और मैं अभी भी इस वक्त चूंकि सुबह सजाए मौत का केस लगे हुए हैं DB में लाहौर हाई कोर्ट में, मैं अभी आके केसेस की तैयारी कर रहा हूँ, और इसलिए इंशाल्लाह जाकर हम असेंबली में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुई है, ये मेरी जाती ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं है, ये पूरी कौमी असेंबली की जो है तजहीक की गई है, तौहीन की गई है। कानून और आइन को तो ये समझते ही कुछ नहीं है वैसे भी। अब देखते हैं कि पार्लियामान की सॉवरेनिटी कहाँ जाती है, अगर पार्लियामेंट सॉवरन है तो फिर जो आज क्या इन्होंने गोलगपाड़ा किया है, जो एहतजाज पुरमन एहतजाज जो मैंडेट चोरी के खिलाफ सारे पाकिस्तान में हुआ है, KPK में कोई पर्चा दर्ज नहीं किया गया है, इस्लामाबाद में कोई उसमें रुकावट नहीं पैदा की गई है, लेकिन माशाल्लाह
लाहौर और पंजाब की जो गुलामाना ज़हनियत है पुलिस की, और जिस अंदाज से यहाँ चीफ मिनिस्टर और आईजी जो तसलसल है, मैं समझता हूँ केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर साहब थे और उससे पहले जो चीफ जो हुकूमत रही यहाँ फिस्ताइयत की, माशाल्लाह मैं समझता हूँ उसका तसलसल होने के नाता से ये शरीफ बरादरान हो या शरीफ जादी हो, ये ऐसी ही भोंडी हरकतें करके और ये इन्होंने हमारी तहरीक को मज़ीद जिला दी है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के आवाम को हक उनका मिल के रहेगा, हम मैंडेट रिस्टोर करवा के रहेंगे। इमरान ख़ान इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द हमारी क़यादत करेंगे और कौम की भी क़यादत करेंगे, इसलिए कि 8 फरवरी को अवामुन्नास ने बड़ा हैवी मैंडेट जो है इमरान खान और पीटीआई को दिया है और इसको चुराने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये जैली जो वज़ीर आज़म बने हैं या हुकूमतें बनी हैं ये बिल्कुल नामंजूर है अवाम को, और अवाम इंशाल्लाह इसी तरह पुरअमन एहतजाज करती रहेगी, और हम भी ऐवान के अंदर अदालतों में और अवाम के साथ हम इंशाल्लाह पूरा यकजहती का इजहार करते हुए उनकी भरपूर अंदाज से तर्जमानी करेंगे और इंशाल्लाह उनके हकूक दिलाकर रहेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।